लेकिन पांच साल आप लोगों के बीच में रहने का पूरा मौका मिला और आपके साथ कन्नार का नाम होता था, मझवा का नाम होता था, नगर का नाम होता था, लेकिन राजगढ़ का कोई नाम नहीं लेता था। लेकिन पांच साल के अंदर चाहे सड़क हो, हर घर छपवा करके मिर्जापुर जनपद की सड़कें कैसी थी, विद्युत की क्या व्यवस्था था, शिक्षा का क्या व्यवस्था था, जब मैं पेयजल के क्षेत्र में हर घर नल से जल मल्हार विधानसभा क्षेत्र को 2200 करोड़ रुपए से काम हो रहा है। एक बात करेंगे, पांच साल पहले क्या था, पांच साल के बाद मेरी सरकार में क्या है, क्या है, तब आपको अंतर समझ में आएगा। कभी कल्पना करिए, जब कभी मुझे मिर्जापुर जाने की पारी आती थी, कैसी रोडें थी, जब हम कहीं जाते थे लालगंज की क्या सड़कें थी, और आई जाने में क्या सड़कें थी, इतनी खंडहर में तमदिल सड़कें थी। लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी फोन मिलाइए, रमा शंकर सिंह जी लगातार आपसे बने रहते हैं, ऐसे लोकप्रिय कर्म के आगे करूंगा कि आए और स्वागत भाषण दे माननीय रमा शंकर सिंह पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी रमा शंकर पटेल। जी सर, यहाँ पे क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? देखिए, यह सीट जो उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में काम करने वाले रमा शंकर पटेल की है, वह बिजली मंत्री के रूप में काम किए, और हम इस विश्वास के साथ दावे के साथ कह सकते हैं, जो जनता ने इसको स्वीकार भी किया, कि समाजवादी पार्टी के समय में 4 से 5 घंटे ही बिजली आती थी, वो भी कभी रात को कभी दिन में, पता नहीं रहता था कब आएगी। आज योगी जी के नेतृत्व में 18 से 20 घंटे बिजली आ रही है, और रमा शंकर पटेल भी बिजली के मंत्री के रूप में बहुत मेहनत काम किए। मैं अभी मणिहान विधानसभा में देख रहा था, चारों ओर संख्या ही संख्या दिख रही थी। पहले 46,000 से जीते थे, इस बार उससे बड़ी मार्जिन के आधार पर यहाँ जीतने जा रहे हैं, और मिर्जापुर की पांचों के पांचों सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनकी गठबंधन की सीटें, गठबंधन के माध्यम से हम सीट जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुनामी चल रही है सपा की, यहाँ पर गठबंधन फेल हो गया है, दो प्रत्याशी मैदान में। समाजवादी पार्टी का गठबंधन आज नहीं, शुरू से फेल होता है। पिछले 2017 में समाजवादी पार्टी ने गठबंधन जो किया कांग्रेस के साथ, फेल हो गया, दोनों का सुपड़ा साफ हो गया। फिर लोकसभा में सपा ने बसपा का गठबंधन किया, वो भी फेल हो गया, और मड़ियान में दो दो प्रत्याशी, बताइए ये तो सुपड़ा फिर साफ हो जाएगा। विधानसभा चुनाव के परिणाम को दो स्तर पर देखा जा रहा है, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम का जो परिणाम है उसको कहीं ना कहीं अच्छा नहीं, भाजपा नेताओं की नहीं कम आ रहा है, ज्यादा रहा, वही विपक्षी पार्टियां सपा बसपा उस पर ज्यादा का दावा कर रही हैं। आप किस रूप में देखते हैं परिणाम? मैं पश्चिम के चुनाव में भी काम किया हूं, वहां जाके सभी विधानसभाओं में जाने का मौका मिला। मैं देख रहा हूं कि गरीब जो है ना, गरीब है, महिला है, किसान है, वह मोदी योगी के साथ खड़ा है, क्योंकि उनका उन्होंने संकट के समय ध्यान देने का काम किया है। 20 महीने से अनाज देने का काम, तेल देने का काम, नमक देने का काम, चीनी देने का काम, महिलाएं जो कभी कल्पना नहीं कर सकती थी, उनका बैंक अकाउंट खुलेगा, बैंक अकाउंट खुलवा कर उनके अकाउंट में पैसा देने का काम माना जाता है। और मुस्लिम बाहुल्य और यादव बाहुल्य है, इसके कारण यहाँ वहाँ पर भाजपा कम है, ऐसा नहीं। मुस्लिमों की संख्या अधिक है लेकिन यादव बाहुल्य नहीं है। पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त होने जा रही है, आगरा की सभी सीटें हम जीतने जा रहे हैं। कितने सीटें हैं पश्चिम, कितने जीत रहे हैं आप? अब वो तो देखिए, वो तो अंकगणित तो आप लोग लगाइए, लेकिन पहले जितना ही सफलता हम प्राप्त करने जा रहे हैं, पहले हमको 52 या 53 सीटें थी, 58 में थी, उतना सीट हम दोबारा जीतने जा रहे हैं पहले फेज में जो चुनाव हुआ है। गरीब साथ में, किसान साथ में, महिला साथ में, जब ये वर्ग आ गया, तो जब वर्ग आता है तो एक जात बिरादरी के बैरियर को तोड़ करके आता है, तो फिर जात बिरादरी का काम नहीं करता। समाजवादी पार्टी ने जात बिरादरी में के बैरियर में बांधने का काम किया, लेकिन जो योजनाओं का लाभ मिला उसके माध्यम से ये बैरियर कास्ट इक्वेशन टूट गया, और सब मोदी योगी जी के साथ